ये हमारी आरसी है और इसमें चढ़ चुकी है सीएनजी। अगर आप ये देख पाए पेट्रोल ऑब्लिक सीएनजी लिखा हुआ है, तो 18-20 दिन में ही इसमें आरसी एंडोर्समेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। मेन तो एवरेज निकल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब फायदा है, पहले से आराम है भाई, बहुत फायदा है। फायदा क्यों नहीं है? सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोगों के पास टाटा की गाड़ी होती है, जैसे कि टियागो हो गई और आपकी टिगोर हो गई। पेट्रोल पे एवरेज थोड़ी कम आती है क्योंकि 3 सिलेंडर इसका इंजन है और बहुत भारी होती है टाटा की गाड़ियाँ, क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी आप लोग जानते ही हैं, बहुत अमेजिंग होती है। तो पेट्रोल पे एवरेज कम होती है, 3 सिलेंडर है, लोगों को डाउट होता है कि यार 3 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें हम अगर सीएनजी लगाएंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम ख़त्म हो जाएगी, चलने में स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम लगा भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, एवरेज एवरेज में कुछ गेन उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सीएनजी लगाने में उससे कुछ उनको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज ये हमारे पास टिगोर है, 2022 का ये मॉडल है और करीब 18-20 दिन पहले हमने इसमें सीएनजी लगाई थी। आज गाड़ी के ओनर आए थे हमसे आरसी कलेक्ट करने, इसमें जो आरसी एंडोर्समेंट का काम होता है सीएनजी का वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये हमारी आरसी है और इसमें चढ़ चुकी है सीएनजी। अगर आप ये देख पाएं पेट्रोल ऑब्लिक सीएनजी लिखा हुआ है, तो 18-20 दिन में ही इसमें आरसी एंडोर्समेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार ओनर से लेंगे फीडबैक कि भाई उनको गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है, 1200 किलोमीटर वो चला चुके हैं और एवरेज वगैरह क्या मिल रहा है। एक बार मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इस गाड़ी में जो इंस्टॉलेशन किया है वो किस तरह से किया है, क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं। तो ये हमारा टिगोर का इंजन बे, टियागो टिगोर सेम इंजन ही शेयर करते हैं, तो जो सेटअप इसमें है वही सेम सेटअप टियागो में भी होता है। तो शुरुआत करते हैं, ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू हम गैस फिल कराते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देख पाएँ, अगर ये आपको दिख रहा हो ये सिल्वर वाला, ये सिल्वर वाला हमारा रिड्यूसर है और साथ में इसके ये लगा हुआ है गेज, ये देख रहे हैं आप, ये गेज है और वो दिख रही है पीछे की तरफ, है ना, रिड्यूसर है। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का, अगर आप देख पा रहे हो पीछे की तरफ, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इस तरफ ये हमारा ईसीएम लगा है सीएनजी सिस्टम का। तो ये तो सारे पार्ट्स है सीएनजी किट के। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपरली स्लीव्ड हमने पूरी वायरिंग की, अगर आप देख पा रहे हो पीछे की तरफ से वायरिंग जा रही है, सेम जैसे टाटा की वायरिंग की क्वालिटी है सेम वही डिट्टो वायरिंग की क्वालिटी हमने भी दी है। साथ में ये डायनामिक एडवांसर हमने लगाया है। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं स्टैटिक एडवांसर लगाऊंगा तो वो समझ लो सिर्फ टांगेगा, उसके कनेक्शंस कहीं नहीं होंगे, क्योंकि स्टैटिक एडवांसर लगते ही गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लग जाती है और चेक इंजन लाइट, सर्विस लाइट वो सब ऑन हो जाते हैं, ब्लिंक करने लगती है गाड़ी, झटके मारने लग जाती है। तो स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। BS6 टियागो टिगोर एल्ट्रोस पंच और आपकी नेक्सॉन, इनमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं है स्टैटिक एडवांसर, डायनामिक एडवांसर ही सक्सेसफुल है। और बिना इसके आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, अगर आप अवॉइड कर दें कि नहीं यार मैं नहीं लगवाता डायनामिक एडवांसर, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे होता है, अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, गाड़ी स्मूथ भी नहीं चलेगी और आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छा नहीं देगी, क्योंकि इंजन जितना स्मूथ परफॉर्म करेगा फ्यूल एफिशिएंसी भी उतनी ही अच्छी आपको मिलेगी। तो ये तो आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा इंजन बे हो गया। जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी है एकदम आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी। अगर एक नज़र कोई आदमी देखे और उसकी नज़र इस पर ना पड़े तो वो बता नहीं सकता कि इस गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल्ड है। तो ये तो हमारा हो गया इंजन बे। एक बार मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में हमने रेयर फिलिंग नोजल लगाया है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि यार उनको बोनट ना खोलना पड़े, तो यहाँ से खोल के अपना आराम से सीएनजी भी फिल करा सकते हैं। और जहाँ तक की बात बूट स्पेस की है, तो ये हमारा बूट स्पेस है, इसमें हमने जो सिलेंडर लगाया है ये है 14 kg का, मतलब कि 65 लीटर्स का, होता 13 है बट हम लोग इसको 14 ही कहते हैं, 65 लीटर्स का है। और आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है। स्टैंड की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, प्रॉपर पाइप वाला इसमें स्टैंड है, साथ में रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में डक्टिंग भी है। तो आप देख सकते हैं लगेज एरिया भी आपको अच्छा खासा मिलता है टिगोर में, अगर आप सीएनजी सिलेंडर इंस्टॉल कराते हैं। 12 किलो का सिलेंडर भी आप लगा सकते हैं, अगर आप 12 किलो का सिलेंडर लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको बूट स्पेस और मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पूरा बूट स्पेस, और आपको दिखाई दिया मैंने कि इंजन में हमने किस तरह से किट का इंस्टॉलेशन किया। अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं, सर 1200 आपने चला दी, हाँ जी, और 18-20 दिन हुए हैं मात्र, हाँ जी, सीएनजी पे आपकी आरसी पे सीएनजी भी चढ़वा दी, हाँ जी, तो गाड़ी अभी तक आपको कैसा परफॉर्मेंस दे रही है? देखो ऑनेस्टली बताऊं, मेरा जो घर है ना थोड़ा सा हिली पार्ट पड़ता है, जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तो मेरे दिमाग में एक डाउट रहता था कि मेरे को सीएनजी भी लगवानी है
लेकिन गाड़ी दबे भी ना, क्योंकि सीएनजी में इशू मैंने सुना है, मैंने कभी सीएनजी गाड़ी चलाई नहीं है, फर्स्ट टाइम लगवाई है इसमें, तो मेरा ये डाउट था कि भाई दबे ना गाड़ी। तो फिर मैंने देखा आपका कि कुछ एडवांसर भी होता है जी, तो फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया, आपने किट फिट लगा दी सारा, 1000-1200 किलोमीटर मैंने चला ली, तो मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी नहीं दब रही है मेरी, चढ़ाई पे चलाता हूँ, हिल्स पे ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वगैरह? एवरेज प्रॉपर हाईवे पे मेरी 30 की एवरेज तो निकाल रही है। आप 1.5-2 RPM पे रखो, 70-75 के स्पीड पे चलाओ तो 30 की एवरेज निकाल दी है। नॉर्मल चल रही है गाड़ी, जैसे कि NCR में होती है तो मिक्स ट्रैफिक होता है, मिक्स ट्रैफिक, ट्रैफिक भी है थोड़ी खाली ट्रैफिक, स्पीड कोई ज्यादा नहीं जाएगी तो 25-26 तो वो भी दे देगी, और बिल्कुल हाँ 25 दिन, ये मैं तो निकाल रहा हूँ भाई, चलाने वाले के ऊपर होता है, मैं तो निकाल रहा हूँ, मेन तो ये है। और बिल्कुल जो बिल्कुल वैसा ट्रैफिक है, बिल्कुल भाई बम्पर टू बम्पर वाला है, उसमें भी ये 19-20 तो दे रही है, चलाने वाले के ऊपर है सारा खेल ही वही, 19-20 तो दे रही है। भारी पंजा रखोगे तो फिर तो कहां से भाई, ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर है, आपने गियर में भी लगा रखी, आप रेस दे के बढ़ा रहे हो, एक तो वो तरीका हो, तब तो कंज्यूम करेगी गाड़ी, एक गाड़ी थोड़ा सा क्लच दबाते ही अपने आप उठ जाती है, तो तरीका भी होता है चलाने का, मैं तो निकाल रहा हूँ। तो मतलब आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रही है, स्मूथ कोई दिक्कत, एवरेज भी निकाल पा रहे हो कि क्लच छोड़ा गाड़ी चल पड़ी, मेन तो एवरेज निकल रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब फायदा है, पहले से आराम है भाई, बहुत फायदा है, फायदा क्यों नहीं है। तो देखिये सर सेटिस्फाइड है, मेन अब सर बता रहे हैं कि भाई चलाने वाले के ऊपर है, वो तो देखिए मेन जो फैक्टर है अच्छी एवरेज का वो यही है कि आप गाड़ी को चलाते किस तरह से हो। अगर आप गाड़ी को बहुत रैशली चलाते हो तो चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, कोई भी फ्यूल हो, वो कम एवरेज देगा। अगर आप सॉफ्ट फुटेड हो, आराम से चलाते हो, मौसम बना के चलाते हो गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी हमेशा आपको अच्छा एवरेज देगी। अगर आपकी गाड़ी में अच्छे से इंस्टॉलेशन हुई है, वही वाली बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर इंस्टॉलेशन अच्छे से हुई है और ट्यूनिंग अच्छे से हुई है तभी गाड़ी स्मूथली भी बिहेव कर पाएगी। अगर यही गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक ना हो तो ये ज़्यादा रेस देंगे, इरीटेट होकर सो खूब खींचेंगे, तो गाड़ी का एवरेज अपने आप ही ड्रॉप होगा। अगर गाड़ी का परफॉर्मेंस फ्लॉलेस है, सब चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज होकर अच्छे से काम कर रही है, तो आपको अच्छा एवरेज मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी में सीएनजी है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मेरे पास बहुत से लोगों का कॉल आता है कि उन्होंने भाई कहीं से सीएनजी लगवा रखी है, डायनामिक भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, और कपलर टू कपलर वायरिंग, इसमें जो हमने किया है वो सोल्डरिंग के थ्रू वायरिंग किया है, हम लोग कपलर्स का यूज़ थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि कपलर ढीले हो जाते हैं वक्त, और फिर झटके वटके गाड़ियां मारने लग जाती हैं। तो अगर सब कुछ लगा हुआ होता उनकी गाड़ियों में मगर गाड़ी उनकी अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती, वजह सेटिंग ट्यूनिंग, आपने डायनामिक एडवांसर लगा दिया, इसको लगाना मतलब टांगना और तार जोड़ने नहीं है, गाड़ी के हिसाब से इसको ट्यून भी करना होता है, गाड़ी की चाल क्या है, गाड़ी का इंजन की पोटेंशियल क्या है, उसके हिसाब से इसको कैलिब्रेट करना होता है, तभी ये गाड़ी की परफॉर्मेंस को तरीके से इन्हांस करेगी। अगर आपने लगवा लिया और उसकी सेटिंग सही नहीं हुई तो अच्छा करने की जगह ये और परफॉर्मेंस को ख़राब कर देगा। तो इट्स बेटर कि आप जब भी कहीं से भी सीएनजी लगवाएं और डायनामिक एडवांसर कुछ भी आप अपनी गाड़ी में काम करा रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे ऑडियो से रिलेटेड हो, मैकेनिकल लाइन से हो, सीएनजी से रिलेटेड हो, हमेशा उस बंदे से काम कराएं जिसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। काम करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, वो आपके 150 रुपये लेके अपना काम कर देंगे मगर मज़ा आना चाहिए, 150 वाला काम में आप उसके पास हर चौथे दिन खड़े रहोगे। तो इट्स बेटर एक ही बार में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छा सामान लगाएं, अच्छा सेटअप करें, अच्छी तरीके से लगाएं, और गाड़ी का जो पर्पज़ है आपको अच्छे से लेके जाना आना, वो पर्पज़ भी सॉल्व हो, आप गाड़ी के जो आपकी कीमत है उसको यूटिलाइज़ कर सको, जो सीएनजी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको यूटिलाइज़ कर सको, और अपनी सेविंग भी कर सको, गाड़ी का मज़ा भी ले पाओ और दो पैसे बचा भी पाओ। तो खैर सर सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल। अगर आपको अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।